हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल कॉम्पैक्ट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी गेठी फल के ऊपर है। शायद हमारी नई जनरेशन इस सब्जी कहें या फल कहें से उतनी परिचित नहीं है कि मैं इसकी आपको जानकारी दे रही हूँ। हमारे उत्तराखंड में ये बहुतायता से गेठी की जो सब्जी बनाई जाती है और उबाल के भी इसको किस तरह खाया जाता है, तो इसकी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों, गेठी फल के कई नाम हैं। इसे एयर पोटैटो भी कहते हैं, वाराही कंद भी कहते हैं और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसे छोरियाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसको उगाना बहुत ही आसान है। कहीं से भी अगर आपको गेठी का एक फल मिल जाता है तो आप इसे अपने गमले में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। आप गेठी के फल को मिट्टी में अगर दबा देते हैं तो 10 दिन में कम से कम उसमें एक अंकुर फूट आता है और टाइम आने पर एक अच्छी सी बेल उसकी तैयार हो जाती है। बस आपको बेल को ऊपर चढ़ाना है। दोस्तों, देखिए इस तरह की इसमें फूल लगते हैं और इन्हीं फूलों के लगने के बाद आपकी बेल में छोटी छोटी गेठी निकल आती हैं। दोस्तों, ये फल जो है हमारा पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें कैल्शियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन B12 बहुतायता से पाया जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग और इसका वर्णन बताया है। दोस्तों, इसको कई तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। इसकी सब्जी बना के खाई जा सकती है और इसको उबाल के भी खाते हैं और मधुमेह के रोगी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जुलाई के महीने में मैंने इस गेठी के बीज को बोया था। अभी मैं नवंबर में ये दीपावली के टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए, अब कुछ दिन इसे धूप में सुखाऊंगी और पूरे जाड़ों भर हम इसको आराम से इसकी सब्जी खा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही बेल थी गेठी की और एक ही मैंने कंद बोया था, उससे मैंने एक बेल से कितनी गेठी हार्वेस्ट की, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मेरे वहाँ गेठी हुई है। दोस्तों, मैं आप सभी को सलाह दूंगी कि जो बहुत ही आसानी से पौधे अपने घर में हो जाते हैं उन्हें ज़रूर लगाइए और अपना इनके गुणों से भरपूर सब्जियों का आनंद आप लीजिए और अपनी नई जनरेशन को भी, अपनी नई पीढ़ी को भी अपने पहाड़ी उत्पादों के बारे में बताइए। और देखिए, एक ही फल से, एक ही बेल से मैंने इतनी सारी कम से कम 5 किलो गेठी हार्वेस्ट की हैं। ठीक है, फिर मैं आपको मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। बाय।